इस धारावाहिक के सभी पात्र घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख। कदमों पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख। जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख। ओ साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। देर से अजनबी से कराए जो मेल, हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से चार्ल्स की जरूरत है ना उसके शक्ल की, हमें जरूरत है गौरव की, जो मेरा हम शक्ल है और हमारे कब्जे में। सर मैंने यश के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है सर, बस ये डायरी मिली है सर जो बिल्कुल खाली है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं तुम्हें एक मर्डर करना होगा इसका। सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसने इस कोड के जरिए क्या छुपाया, लेकिन मेरी समझ में आ रहा है यादव। तुम ABCD A से Z तक एक कागज पर लिखो। ABCD? लेकिन सर उससे क्या होगा सर? तुम लिखो गुप्ता, मैं बताता हूं। ओके सर। सर लिख दिया सर। अब A से Z तक हर अल्फाबेट के आगे नंबर डालो, जैसे A के आगे 1, B के आगे 2, C के आगे 3। ठीक है सर। हो गया सर। अब 1 से 10 तक नंबर लिखो। ठीक है सर। A का नंबर है 1,
राइट सर। यहाँ ए को दिया गया है 6 नंबर, तो एक नंबर किसी नंबर का छठवां अंक है, लिखो एक। लिखा। बी को यहाँ दिया गया है 7 नंबर, लेकिन वैसे बी का 2 नंबर है, तो किसी नंबर का 7वां अंक है 2, लिखो 2। सी के सामने 10, यानी 10 अंक हुआ 3। डी के सामने है 4, यानी 4था अंक है 4। ई के सामने 5, यानी 5वां अंक है 5। एफ के सामने है 9, यानी 9वां अंक है 6। एफ छठे नंबर का लेटर है सर। राइट, तो 9वां अंक लिखो 6। जी के सामने लिखा है 3, यानी उस नंबर का 3रा अंक है 7। एच के आगे है 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एच है 8 नंबर पर, यानी नंबर का 2रा अंक 8 है। आई के सामने लिखा है 1। आई है 9वें नंबर पर, यानी नंबर का पहला अंक है 9, तो नंबर हुआ 9, 8, 7, 4, 5, 1, 2, 6, 3। सर ये तो कोई मोबाइल नंबर लगता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर ये तो सिर्फ 9 अंक है, मोबाइल के तो 10 अंक होने चाहिए। यहाँ पर भी वर्णमाला के 10वें अक्षर जे के सामने कुछ नहीं लिखा है, सीधा ओ के सामने 0 लिखा है। 0 इस नंबर में कहाँ फिट होगा, जरा टेबल दिखा ना। सर आठवां नंबर खाली है, यानी 8वां नंबर है 0। नाइन एट सेवन फोर फाइव वन टू जीरो सिक्स थ्री। 9, 8, 7, 4, 5, 1, 2, 0, 6, 3। स्पीकर ऑन कर देता हूँ ताकि तुम भी सुन सको। यू हैव रीच द वॉइसमेल बॉक्स ऑफ 9, 8, 7, 4, 5, 1, 2, 9, 6, 3। प्लीज लीव योर नेम एंड नंबर। सर ये तो वॉइसमेल पर सर। एक मिनट गुप्ता, इसने नंबर क्या बोला? 9, 8, 7, 4, 5, 1, 2, 0, 6, 3। नहीं, शायद 9, 8, 7, 4, 5, 1, 2, 9, 6, 3 बोला। दोबारा देखते हैं। You have reached the voicemail box of 9, 8, 7, 4, 5, 1, 2, 9, 6, 3. Please leave your name and number. देखा, नंबर चेंज है। अब इस नंबर पर फोन लगा। 9, 8, 7, 4, 5, 1, 2, 9, 6, 3. Dear customer, for further information, visit our customer care center at C91 Lal Bagh. Thank you. शायद चार्ल्स ने इस एड्रेस पर कोई राज छुपा कर रखा है। यादव, तुम इन दोनों फोन नंबर्स के बारे में एक्सचेंज से पूरी जानकारी हासिल करके मुझे फोन करो। ओके सर। C91 लाल बाग।
नंबर। इस वक्त आपके एक पुराने दोस्त को आपसे मिलवाने लाया हूं। ओह, तो चोरों की पूरी मंडली इकट्ठा हो चुकी है। मंडली भी इकट्ठी हो चुकी है और नाटक भी तैयार है, बस उसे स्टेज पे लाना है। और हम जानते हैं इंस्पेक्टर राठी कि तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो, उस नाटक का हिस्सा तो तुम बनोगे नहीं, तो इस नाटक की शुरुआत होगी तुम्हारी फोटो से, जिस पर हार चढ़ा होगा। हर मिशन कुर्बानी मांगता है इंस्पेक्टर राठी, और इस मिशन को भी कुर्बानी की जरूरत है, लेकिन तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। अभी तक आए क्यों नहीं बिग बॉस? और आपको क्या लगता है कि गौरव वर्मा अपने ही ऑफिसर को गोली मार देगा सिर्फ इसलिए कि हम उस पर विश्वास कर लें? भाई जी, ये जो ईमानदार लोग होते हैं ना, ये बहुत बेवकूफ होते हैं। ये वतन के लिए एक सेकंड में जान देने और लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने इंस्पेक्टर दीपक को खास तौर से हिदायत दी है
कि अगर गौरव वर्मा जरा से भी होशियारी दिखाए, जरा से भी स्मार्टनेस दिखाए तो उन दोनों को वहीं ढेर कर दे। तुम चिंता मत करो, गौरव वर्मा हमारे सिंडिकेट को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। He will go to any extent to kill us off. इंस्पेक्टर राठी के नाम का कांटा हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकल गया बिग बॉस। और अब दवे के अलावा कोई नहीं जानता कि गौरव की शक्ल के पीछे इंटरनेशनल क्रिमिनल चार्ल्स छिपा है। और चार्ल्स की शक्ल में मौजूद गौरव को भी मैंने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है बिग बॉस। तुम लोग उस डॉक्टर को भूल रहे हो जिसने मेरा ऑपरेशन किया था, वो भी तो ये राज जानता है। कौन डॉक्टर जोशी डियर गौरव वर्मा और कौन सा ऑपरेशन? बेवकूफ आदमी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम ही गौरव वर्मा हो। हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमारा सारा राज जानने के लिए तुमने ये ड्रामा रचा है। और अब हम एक ड्रामा रचने जा रहे हैं। इंडियन रेलवे के आरपीएफ ऑफिसर गौरव वर्मा बनने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद दवे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला है और उसमें तुम्हारी बहादुरी के किस्से बताए जाएंगे। बताया जाएगा कि किस तरह तुमने अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों के बीच जाकर उनके पूरे सिंडिकेट को खत्म किया है। भाई जी और उसके जुर्म की पूरी दुनिया को मिट्टी में मिला दिया है। मतलब मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ रहा हूं बिग बॉस। सॉरी भाई जी, जुर्म की दुनिया के अंधेरों में रहते रहते बहुत थक चुका हूँ। अब आज़ाद हवा में सांस लेना चाहता हूँ। तुम लोगों के मरने के बाद दवे के अलावा कोई नहीं जानता कि मैं गौरव वर्मा नहीं बिग बॉस हूँ। और एक बार दवे दुनिया के सामने ये साबित कर दे कि मैं गौरव वर्मा हूँ तो मैं उसको भी तुम्हारे पास भेज दूँगा। आई एम रियली सॉरी। I am really very sorry. I hope he's dead. वाह, क्या चाल चली। एक बार में सबका काम तमाम। अगर हाथ खुले हुए होते तो ताले जरूर जाते। लेकिन सिर्फ आरपीएफ में मेरी जगह लेने के लिए तुम इतना सब कुछ नहीं करोगे। समझदार। चलो तुम्हें बता देता हूं, मरने से पहले पूरी कहानी जान लोगे तो आत्मा भटकेगी नहीं। धनबाद के एक माइन में हमें यूरेनियम मिला है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत खरबों डॉलर है, लेकिन उसे खान से निकालने और बॉर्डर पार पहुंचाने के लिए हमें इंडियन रेलवे की जरूरत पड़ेगी।
जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन समझ गया था कि अगर यूरेनियम इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाना है तो मुझे गौरव वर्मा की जगह लेनी होगी। आरपीएफ ऑफिसर गौरव वर्मा की निगरानी में जा रही ट्रेन को कोई चेक नहीं करेगा। क्या तुम जानते हो उस यूरेनियम से कितने बॉम्ब बनेंगे? ये सोचना मेरा काम नहीं, तुम्हारा है। और मरने से पहले ये सोचने के बजाय अगर तुम भगवान का नाम लो तो बेहतर है। गुड बाय मिस्टर गौरव वर्मा। यादव, एकदम ठीक टाइम पर आए हो राठी। मैं तो साई की तरह हमेशा आपके साथ था मिस्टर गौरव। आई एम सॉरी बिग बॉस। इतना हैरान क्यों हो रहे हो बिग बॉस? ना 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 ना, इस बिल्डिंग को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नजर थी, तुम्हारी हर चाल का जवाब था हमारे पास, सिर्फ सही वक्त का इंतजार था। तुम्हें गिरफ्तार करने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी था कि तुम इंटरनेशनल क्रिमिनल चार्ल्स के साथ किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और हमें वो वीसीडी भी मिल चुकी है जिसमें यूरेनियम की पूरी डिटेल चार्ल्स ने रिकॉर्ड की थी और जिसको हासिल करने के लिए तुम चार्ल्स को टॉर्चर कर रहे थे। दरअसल वो तुम्हारे यूरेनियम का इंटरनेशनल मार्केट में सौदा कर रहा था और तुम्हें डबल क्रॉस कर रहा था। मुझे शुरू से मालूम था कि तुम चार्ल्स जाने की मुझे गौरव की शक्ल का फायदा उठाने के लिए कहोगे, लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं था कि तुम मेरे हम शक्ल निकलोगे। और जिस दिन मैंने तुम्हारी सूरत देखी मैं समझ गया था कि तुम्हें हमारी असलियत और हमारे प्लान का आइडिया लग गया होगा। जब तुमने कहा कि तुम मुझसे किसी का कत्ल करवाना चाहते हो तो मैं समझ गया था कि तुम राठी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, क्योंकि दवे के अलावा सिर्फ यही जानता था कि मैं गौरव वर्मा हूं, चार्ल्स नहीं। खैर एक बात और, जिस चार्ल्स को तुमने हॉस्पिटल में मरवाया वो पहले ही कुआं में दम तोड़ चुका था। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं बच कैसे गया, तो माय डियर बिग बॉस, मैं शुरू से ही तुम्हारी हर बात सुन रहा था। दरअसल मिस्टर गौरव वर्मा का चेहरा तो नहीं बदला गया लेकिन उनका एक ऑपरेशन जरूर किया गया था और उस ऑपरेशन के जरिए उनके जिस्म में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया गया था जिसके जरिए मैं तुम्हारी हर बात सुन भी रहा था और रिकॉर्ड भी कर रहा था। और आज जब मिस्टर गौरव वर्मा मुझे मारने के लिए आए तो मैं बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ उनका इंतजार कर रहा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी बुलवाई है तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाने के लिए। चलिए करो साहब। आपने अपनी टीम धन्यवाद भेज दी इंस्पेक्टर राठी? जी हाँ, आपके चारों साथी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और मुंबई के लिए रवाना भी हो चुके हैं। धनबाद में भाई जी के हर ठिकाने को सील कर दिया गया है। चार्ल्स के घर पर मिली सीडी से हमें उस खान का पूरा एड्रेस मिल गया था जहां इन्हें यूरेनियम मिला था। वो खान अब हमारे कब्जे में है। आइए अब चलकर दुनिया को सारी बात बताते हैं। अब चलें बिग बॉस। और दवे साहब आप भी। तो ये कहानी यही खत्म होती है लेकिन हम जल्दी फिर मिलेंगे एक नई कड़ी में, नई कहानी में, एक नए हम सफर के साथ। तब तक के लिए अलविदा। साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर, मिल जाए उसके जैसे।
फिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। सफर, हम सफर, हम सफर।